कालका के गांव भापरा में कच्चे घरों में रहने वाले गरीब बस्ती के लोग कई समय से विभिन्न परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। चलिए हम आपको पहले तस्वीरों के माध्यम से उन गरीब लोगों के हालात से रूबरू करवाते हैं। देखिए ये लोग आखिर यहाँ कैसे रहते होंगे, जहाँ पूरे गाँव का गंदा पानी आता है और इस गंदे पानी की वजह से इन लोगों का घर में रखा खाद्य सामग्री सहित सारा सामान नष्ट हो चुका है। गरीब लोगों ने बताया कि एमसी को भी कई बार समस्या से रूबरू करवाया गया, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जी पानी पड़ रहा है हमारी झुग्गी झोपड़ियों में, और रहने का स्थान भी खराब हो रहा है, सारे सो रहे हैं, और खाने पीने का भी हम बड़ा नहीं खा नहीं सकते, है ही नहीं, सब कुछ भीज गया जी। गरीब आदमी ने नाज पानी लिया वो भी भीज गया सारा। वही ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा गाँव में जोहड़ की खुदाई का काम पिछले 5-6 महीने से शुरू कराया गया, जिसे बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। ठेकेदार ने पूरे गांव का गंदा पानी जो कि जोहड़ में जाता था उसे जोहड़ के पिछले ओर डाइवर्ट कर दिया, और वह सारा गंदा पानी गरीब लोगों के कच्चे मकानों में आता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिन से गाँव वासियों के सहयोग से इन लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ जी पानी आ रहा है, बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं जी, यहाँ रुक नहीं रहा पानी, सारे गांव का शहर का सारा पानी यहीं आ रहा है जी। इतना भी है घर से बेघर है, हम तो मंदिर में बैठे हैं जी 4 महीने से, सबको पूछ लो कॉलोनी वाले को, बच्चे ले गए भाई, सारा सामान डूब गया मेरा जितना था अंदर में, बिस्तरे रजाइयाँ कपड़े सब मंजे खाट जो थी। किसी को बताया नहीं इसके बारे में? बताया बथेरा जी, सब गाँव से भी कहा, प्रशासन वालों से भी कह लिया, कई जगह बात कुछ सुनाई नहीं करता गरीब आदमी की। एमसी को बोला? एमसी को 10 दफ़ा बोल दिया जी, 10 दफ़ा घर जा के बोल के आए, 10-10 आदमी इकट्ठे हो गए। क्या कह रहे एमसी? वो कह करूँगा ये कहता रहे, करता कुछ नहीं है वो। ऐसा है जी, ये जोड़ के खुदाई का काम हमारा पिछले 5-6 महीने से सरकार ने चालू करवाया था, फाइव कोंड का बनाने का, लेकिन वो काम जो है वो अधर में रह गया हमारा काम, और वो काम अधर में रह के जो पानी शहर का सारा गंदे नाले का पानी जो जोड़ में जाता था, ठेकेदार ने वो सारा पानी, अगर सैन की जमीन है, अगर सैन संस्था की है पीछे लगती, इसमें डाइवर्ट कर दिया, और इसके पीछे ही बिल्कुल इन सिकलीगरों के लोडों के गरीब आदमियों के मजदूरों के घर हैं, सारा पानी इनके घरों में बढ़ गया, इनका ना खाने का राशन बचा, ना रहने के लिए बिस्तर बचा, कुछ भी नहीं बचा है, लोग बर्बादी के कगार पर हैं, गांव वालों की सहायता से इनको खाना मिल रहा है पिछले 3 दिनों से जी। अगर जल्द इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट।